नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान खार्कीव में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत का मामला गर्मा गया है। छात्र की मौत के बाद तमाम सियासी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार समय रहते सचेत होकर यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी कर लेती तो आज हजारों की जान पर संकट नहीं मंडराता। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब तक 2000 से भी कम छात्रों को वहां से भारत लाया गया, जबकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में करीब 20,000 से ज्यादा छात्र राजस्थान सहित अन्य राज्यों के फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारत के एक छात्र की मृत्यु हो जाना भी केंद्र की नाकामी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र ने यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव को समझा है। उन्होंने आगे कहा कि हालात बिगड़ने के बाद यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में केंद्र के कुछ मंत्रियों को भेजकर दिखावा करने से बेहतर होता कि सरकार समय पर वहां से सभी छात्रों को भारत लेकर आ जाती। हम आपको बता दें कि मृतक भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन एसजी के रूप में हुई है। छात्र की उम्र 21 साल थी। नवीन खार्केव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। इस छात्र की मौत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि यूक्रेन के खार्कीव में भारतीय छात्र श्री नवीन की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता कर सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर के दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा, ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें।